दिगंबरम भस्म सुगंधलेपनम चक्रम त्रशूलम डमरूगदायुधम पद्मासनम योगिमुनीन्द्रवंदितम दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरुवे नमः। परब्रह्मणे नमः। परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। जय गुरु दत्तो। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आत्मीयजनों, आज जो है सातवीं भक्ति पर थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है। जैसे मैंने पहले बोला है, बहुत कठिन विषय है ये। परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने सवेरी को जो समझाया है वो तो बड़ा गहन विषय होगा। अपने को जितना समझ में आवे, वाणी नेत्र कान हृदय पवित्र करें और जितना ग्रहण किया जा सके ग्रहण करें और जीवन में उतारें, यही भक्ति श्रवण का लक्षण है। सातवीं भक्ति में बोला है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कई लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। योग में भी लिखा है समत्वम योग उच्चते। जहां समता है उसी को योग कहते हैं। सुनिश्चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन। यहां भी समता आई है। ज्ञान दीपक में भी आया है कि चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दिवट बनाए। वहां भी समता की बात कही गई है। संत लक्षण में भी भगवान ने नारद जी को यही बताया है। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है जहां समत्व हो। समता का मतलब किसी में कहीं भी भेदभाव न देखी जाए। और उसके बाद जो है मोहिमय जग देखा। हर जगह मेरे में सृष्टि है ये जानने की कोशिश की जाए। है भी, लेकिन एकाएक समझ में नहीं आता। योगी लोग महापुरुष लोग इसीलिए योग ध्यान करके जप भक्ति करके इस समता में जाते हैं। जब तक भेदभाव रहता है तब तक प्रभु का जो है शांत सुस्थिर आनंदमय स्वरूप की झांकी नहीं होती है और अनुभूति भी नहीं होती है। इसीलिए समत्वम योग उच्यते। योग का लक्षण ही यही है कि सारी इंद्रियां एक में
विलीन होते होते और सम होकर के और शांत चित्त में बैठे, चित्तवृत्ति निरोध योग अंतर्मुख होकर बैठे, तभी परमानंद परम शांति का अनुभव होता है। किसी में कोई भेदभाव न देखना, ये सम है। षठ संपत्ति में भी लिखा है कि सम दम उपरीति तिदीक्षा श्रद्धा समाधान, वहां भी सम है षठ संपत्ति में भी। सम का मतलब है कि कभी कभी आप लोगों को जो भी ध्यान योगी होंगे बैठते होंगे, बहुत वर्षों से साधना करते आ रहे हैं, उनको कभी कभी बड़ी शांति महसूस होती है और कभी कभी दृश्यात्मक अनुभूति में सदगुरु कुछ बताने के लिए एक आँख दिखाते हैं। बहुत लोगों को एक आँख का दर्शन होता है और बहुत से लोगों को ध्यान में दो आँखें दिखती है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमको एक आँख दिख रही है और धीरे धीरे मेरे आंख के सामने आ रही है वो। कोई कोई बोलते हैं कि हमको दो आंख दिखती है और वो दोनों आंखें जो है मेरे आंख के सामने आ रही हैं, तो हम डर जाते हैं फिर उड़ जाते हैं। इसका ख्याल नहीं आता है, इसलिए भय लगता है। जिनके सामने दो आंखें हैं वही बता रहे हैं कि तुम अपने भेदभाव को मिटा दो, जो द्वैत का अनुभूति कर रहे हो, अलग अलग सब में कुछ स्वरूप देख रहे हो, अलग अलग भेदभाव देखते हो, किसी में न्यूनाधिक की अनुभूति होती है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो छोटे हैं वो बड़े हैं, ये जो अनुभूतियाँ आपको होती है, ये मन से द्वैत को द्वंद्व को निकाल दो। दो आंखें दिखाने का मतलब यही है, उसको तुम हटा दो। कहीं कालिदास की जीवनी में यही लिखा है, विद्वानों ने विद्वत्मा के साथ उनका शास्त्रार्थ कराया है। विद्वत्मा बहुत विद्वान रही, विदुषी रही, और उसको यही प्रतिज्ञा रही कि जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उसी से मैं शादी करूंगी। तो उसमें बहुत बड़े लोग विद्वान लोग वहाँ आए और शास्त्रार्थ करते रहे लेकिन हार जाते रहे, पराजय होकर चले जाते रहे। तो बहुत से पंडितों का अपमान हुआ, अपने को फील किए कि हमारा यहाँ सम्मान नहीं रहा, मेरा अपमान हो गया। तो इसमें विद्वानों ने इकट्ठा होकर के बोला कि इसकी शादी किसी ऐसे से कराया जाए कि इसका भी अपमान हो, ये भी पछताए। रागद्वेश आ जाता है, लोकेशणा वितेषणा में रागद्वेश आकर खड़ा रहता है। प्रतिष्ठा अमोह जहाँ होता है वहीं विवाद, वहीं द्वंद्व द्वैत इकट्ठा हो जाता है। सब लोगों ने मिलकर एक वाक्यता की और विचार कर रहे थे, आगे आ रहे तो रास्ते में जंगल से आते हुए एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष में जो शाखा निकली थी तो पीछे के अंदर ऊपर बैठ करके कोई यहाँ से डाली काट रहा था। जो झाड़ में से वृक्ष में से डाली निकलती है तो इधर बैठ करके वो मूल काट रहा था। बोले कि इसके जैसा बेवकूफ कौन होगा, जिसको ये खबर नहीं है कि डाली का तना कट जाएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, उसको इधर बैठ करके इधर काटना चाहिए तो उल्टा काट रहा है, डाली के अग्रभाग में बैठ करके मूल काट रहा है, इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, इसको उतारो। तो लोगों ने बोला इधर आओ, तो कुछ समझ नहीं रहा था कि इधर आ इधर आ। उसको बाणी भी नहीं थी, जिसे मूंगा तोतड़ा होता नहीं ऐसी बाणी उसकी थी। उसको बोला इधर आ तेरे हम लोग शादी कराने वाले हैं। तो मूंगा हो बहरा हो थोड़ा बहुत सुनाई पड़े तो शादी के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं लोग। वो खिड़खिड़ाया और नीचे आया कि तुम्हारी शादी हो, खुश है ना, तो बहुत खुश हूँ, ऐसा संकेत किया। बोले कि ऐसा कर, हम तुझे ले जा रहे हैं, तेरा हम लोग श्रृंगार करके बहुत बड़ा पंडित बनाएंगे,
चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे और महफिल में ले जाएंगे। तुमको खाली बैठे रहना है, कुछ बोलना नहीं, तुमको खाली मौन बैठना है, इसी में हम लोग सब कर लेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसको ले गए लोग, पगड़ी उगड़ी बांध करे चांदला करके बैठाया। विद्वत्मा को बोला कि ये हमारे गुरु जी हैं, बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन बोलते नहीं है, संकेत से सब उत्तर दे देते हैं। तो बोला बहुत अच्छा है, ठीक है। विद्वत्मा आई तो उसने प्रश्न किया कि ब्रह्म एक है कि दो है? ब्रह्मा एको वा द्वितीय, एक है कि दो है? एक है ब्रह्म कि दो है? एक अंगली बताई। तो वो सोचा कि ये जो भाई जो है बोलती है कि तेरी यहां एक आंख में फोड़ दूंगी, ऐसा संकेत किया। तो उसने बोला कि मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो लोगों ने तालियां बजाई कि हमारे गुरु जी जीत गए, ब्रह्म साकार और निराकार दो है। गुरु जी ने ठीक उत्तर दिया, ताली बजी और जीतम 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 हो गया और वो पंडित को जिता दिया, वो कालिदास को, और विद्वत्मा के साथ लगन कर दिया। कर ली कि अच्छे विद्वान लगते हैं। लगन करने के बाद ऊपर जब रूम में गई हैं विद्वत्मा जी और बैठी, उनको पुस्तक दिया पढ़ने को, संस्कृत की अच्छी पुस्तक, तो उल्टा पढ़ रहे थे, उल्टा करके रखा रहा। तो देखिए कि ये भक्ति पढ़ा लिखा हो तो पुस्तक उल्टा क्यों पढ़ रहा है? फिर बोला कि देखो नीचे कोई आया है। तो बोले कि उठ रहा उठ रहा उठ रहा, उष्ट आ रहा था। तो उष्ट नहीं बोल सके, ऊंट नहीं बोल सके, तो उससे कुछ बात करने लगी। तो लगा कि ये तो बिल्कुल बोगड़ा तोतड़ा है, मूर्ख के साथ हमारा लोगों ने शादी करा दिया। उसके बाद उसने वहां से धक्का मारा है। कालिदास नीचे आकर काली के मंदिर में पड़े हैं, जीभ कट गई है। कि उदंती यही है कि माँ काली प्रसन्न हुई उनको रोते हुए देख करके और बोली है कि तेरा जीभ कट कर मेरे चरण में चढ़ गया, तो आज से तेरे को विद्या में दे रहे हूँ, इसी के कारण जो है तेरी ये हालत हुई है। वो पूछे क्या हुआ, तो विद्या विद्या मतलब विद्वत्मा ने धक्का मारा। तो उन माता जी ने लगा कि इसको विद्या न आने के कारण ही ऐसा हुआ, विद्वत्मा ने इसीलिए धक्का मारा है, उनको विद्या दिया है, सबसे बड़े महान कवि हुए कालिदास। तो मतलब एक ब्रह्म है कि दो? तो जहाँ द्वैत है ना वहीं विवाद है, तकलीफ है। जहाँ एक है वही कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ समत्व आया कोई विवाद नहीं है। अद्वैत है अद्वैत है यहाँ विवाद है, लेकिन जहाँ समता है वहाँ विवाद नहीं है। समता जो है द्वैत हो कि अद्वैत हो, दोनों में एक सरखी रहती है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। ब्रह्म की पराकाष्ठा में न निराकार होता है न साकार होता, मतलब न साकार है न निराकार है, वहाँ कुछ अजब की वस्तु है वो। जहाँ सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है अशांति भी नहीं है, वो ऐसी भूमि है, द्वंद्वातीत है वो। तो दो आंख दिखे तो समझना कि तुम्हारे अंदर जो कुछ है द्वैत बुद्धि उसको हटा दो, भेदभाव हटा दो, एक एक दृष्टि रखो। आज जिसको एक आंख दिखती हो उसको भी यही बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर जो है बहुत अच्छी स्थिति है, अभी भी एकत्व ले आओ, समता ले आओ, भेदभाव हटा दो, सबको एक दृष्टि से देखो। सदगुरु का जो संकेत होता है उसमें रहस्य रहता है। और ज्ञान दीपक में गोस्वामी जी महाराज ने यही लिया कि समता दीवट बनाए। दीवट जो है जहाँ रखा जाए, अगर जो है ऊंची नीची वो जगह हो तो दीवा जो है उस पर ठीक से रहेगा नहीं और ज्ञान रूपियाज जो है नीचे आ जाएगा। इसलिए दीवा में घी रखना हो तो आधार जो है बिल्कुल सम होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समतल आधार न हो तो दीवा उस पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, फिर घी टिकता नहीं है। तो ज्ञान आज ज्ञान की भूमिका तभी उचित है, अच्छी है, वंदनीय है, आदरणीय है कि जहां जो है वहां समता हो।
एक ज्ञान होता है जहाँ तर्क हो, तर्क किया जाता है, विवाद होता है, उसमें तर्क होता है, वो तर्क शास्त्र बुद्धि है वो। आ एक जो है ज्ञान जो है जहाँ कोई तर्क नहीं है। आप बड़े ज्ञानी हैं, एक बड़े विद्वान हैं, विद्वान जो होते हैं उनमें ज्यादा तर्क होता है, ज्ञानियों में जब परिपक्व न हो तब तक थोड़ा सा चंचलता रहती है, परिपक्व होने के बाद ये सब मिट जाता है। जो है वहीं मैं रहता हूँ, जहाँ भेदभाव न हो, किसी में कुछ भेदभाव न देखे, हर जगह सम दृष्टि रह करके मुझे देखे, सब में मेरा एक दृश्य देखे, वही वही मेरा वास रहता है, उसी पर मैं खुश रहता हूँ। लेकिन सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, पंडित समदर्शिनः न च समवर्थिनः। विद्वानों की दृष्टि सम हो सकती है लेकिन समवर्तनीय नहीं हो सकती। एक स्वान है एक संत है, दोनों को आप बुलाए भोजन कराने के लिए तो आप दोनों में भगवान का दर्शन करें, ये आपके ज्ञान की भक्ति की दृष्टि है। किसी महापुरुष ने रोटी बनाई, बना कर रखा और कुत्ता आया लेकर भागा, तो दौड़ रहे हैं घी की कटोरी लेकर के, ठहर जाओ प्रभु घी नहीं लगाया है, घी लगाए बगैर रोटी नहीं खानी चाहिए, आपको घी लगा कर दूं आप ठहर जाइए। लेकिन कुत्ता क्या समझे, उनकी दृष्टि है कि भगवान है ये और मैंने इनको रोटी घी लगाए बगैर दे दिया। तो इस संत की दृष्टि है कि कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं। अगर एक कुत्ता है उसको आपने बुलाया, उसको भी आसन बिछाएं, संत को भी आसन बिछाएं और पत्रावली रखकर दोनों को रोटी परसें, तो एक संत जो है प्रेम से बैठ करके खाना खाएंगे और कुत्ता जो है पत्तल से रोटी को उठा करके दूर जा करके और पैर से दबा कर काट काट कर खाएगा, वो बैठ कर नहीं खाएगा। उसको आप पंखा डुलाएंगे तो दूर भागेगा वो, उसको आपकी पंखा नहीं चाहिए, खाली उसको रोटी चाहिए। तो आप जो हैं ये समझें कि एक संत के एक व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है, उसको हम खिला करके शांति दे रहे हैं, एक कुत्ते को भी खिलाकर शांति दे रहे हैं, वहां तक बात ठीक है। पंडितः समदर्शिनः, महान पुरुष, भक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष समदृष्टि रखते हैं लेकिन समवर्तन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वान जोनि में है, ये मनुष्य जोनि में है, इसलिए वहां थोड़ा सा न्यूनाधिक आपके दृष्टि में भेद लगेगा। भेद नहीं है, ये व्यवस्था है, ये सृष्टि का क्रम है, इसमें ऐसा ही होता ही है। तो सातों सम हर जगह जो मुझे समदृष्टि रखे, गीता में आया है कि एक कृषक है तो कुदाल में, घास में, खेतड़ में, हर जगह भगवान को देख रहा है, तो कहाँ खोदे न कहाँ क्या करे। एक भक्त जो है नाव में, केवट में, अपने में, पानी में, पतवार में, सब जगह उसी को देख रहा है, ये उसकी समदृष्टि है। ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाए वो अंतर्मुख हो जाता है और उसकी वाचा बंद हो जाती है, मौन मौन में हंसते हुए अपने मस्ती में आनंद में रहता है, वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ऐसे साधक में भगवान में कोई भेद नहीं रहता है, प्रभु मैं है, वो हर जगह वही है। एक ज्ञानी एक रस में है, एक प्रेम लक्षणा भक्ति जो हर जगह परमात्मा को देख रहा है, जिसे गोपियों की भक्ति रही, हर जगह मैं ही हूं, हर जगह कन्हैया है, हर जगह वही है, अणु अणु में व्याप्त है, कहां नहीं है वो। तो एक बार उसका जो स्वाद आ जाता है, रूप अपने हृदय में बैठ जाता है, नेत्र प्यार और प्रेम से उसके स्वरूप को पान कर लेता है, वो स्वाद वो दृष्टि से कभी बेहद नहीं होता है, अलग नहीं होता है, बिलगाता नहीं है वो। सतम सम मोही
और समत्वम और मोहि में जगत को देखता है वो बड़ी ऊंची भक्ति है। भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति की गहराई में जाकर के जिसे संतों ने शास्त्रों ने बोला है, भगवान ने ऋषियों ने बोला है, उस प्रकार से भक्ति करे तो भक्ति परमात्मा में बना देती है। तो जप करते समय, माला करते समय आप जब बैठें तो पहले तो आप अपने इष्ट को बाहर देखते हैं तो बाहर देखें कि बृहद हस्त किए वो खड़े हैं, और धीरे धीरे उस स्वरूप को आप अंदर उतारें तो आपके हृदय में वो विराजमान है, और वही बृहद हस्त आपके हृदय में है, और उसके बाद आप रोम रोम में उसको देखें, सब जगह वही है, और आप धीरे धीरे आपका सारा शरीर ईश्वर में हो गया है। देवम भूत्वा देवम जयेत, इस भाव से आप जप करें। ध्यान करते हो तो आपको तेजो पुंज में बैठा दीजिए, प्राण में बैठा दीजिए, आपके शरीर से तेज निकल रहा है और आप स्वयं प्रकाश स्वरूप हो गए हैं, परम शांति परम आनंद का स्वरूप आपका है, आपके रोम रोम से सोहम ध्वनि निकल रही है, ज्योति जल रही है, आप खुद प्रकाश में हैं। ऐसे प्रकाश और शीतल तेज पुंज में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से ध्यान करें तो थोड़ा समय का ध्यान भी वो बड़े लाभदायी होता है। उस ध्यान में आप अपने को भूल जाते हैं, आप आंख बंद किए बंद करके बैठे हैं, जिसे आप नींद में सोते हैं ऐसे ही आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। वो नींद में सो रहे हैं, यहाँ जागृत में आंख आप बंद किए हैं, लेकिन आंख बंद करने की रीत है, आप बंद करें तो धीरे धीरे आप अपने को कन्वर्ट करें, बदल दें, तेजो पुंज में रख दें और आपका शरीर स्वयं प्रकाश में विलीन कर दें, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, तेज में, आकाश में विलीन करके आप अदृश्य हो जाएं, तेजोमय बन जाएं। एक तो आप इस योग से ध्यान करें, एक दूसरे में विलीन करते हुए, अथवा तो आपका इष्ट आपके सामने बृहद हस्त लिए खड़ा है, धीरे धीरे आपके हृदय में बृहद हस्त है, फिर आप वही खुद हो गए हैं और वो परमात्मा स्वयं शांति आनंद का स्वरूप है, शीतल प्रकाश है, परम आनंद बरसा रहा है, इस भाव से आप बैठे। तो यहाँ जो है एक परम जो शांति महसूस होती है, वहाँ कोई नाद भी नहीं है, कोई स्वर भी नहीं है, परम शांति है। तो धीरे धीरे श्रवणेन्द्रिय भी वहाँ नहीं होती है, फिर जब उठेंगे तो धीरे धीरे कदाच प्रण सुनाई पड़े, तो धीरे धीरे आप जब बाहर आएंगे तो आपको धीरे 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 बाहर निकलेंगे तो फिर संसार आपका भास होगा जगत का। तो सम मोहि मैं जगत देखा, मेरे में जो भक्त, मतलब जब करते करते जब बद्ध हो जाता है, धीरे धीरे आप सोहम में चले जाते हैं, श्वास से जप हो रहा है, आपकी न जीवा हल है न कुछ हिल रहा है, आपके हृदय से जो है जो आप श्वास लेते हैं सोहम, वो भी ख्याल नहीं रहता हम कहाँ से श्वास ले रहे हैं, लेकिन आपके स्वर जो है वही सोहम है, श्वास लेने की जो सहज पद्धति है वही सोहम है। इस हालत में आप बैठे हुए हैं, यही स्थिति जब आती है तो साधक धीरे धीरे बहुत गहराई में पहुंच जाता है, यही पूर्ण ज्ञान और यही पूर्ण भक्ति का लक्षण है। उसमें बहिर्प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंद्रियां कहीं बाहर न जाए, आपको उसमें कुछ याद ही भी नहीं आना चाहिए ध्यान में कि हमको ऑफिस जाना है, किसी से कुछ काम कराना है, उसको कुछ लेना उसको देना है, ये भूल जाने का चाहिए। इसको ही योग कहते हैं,
कि जो इंद्रियां बहिर्भुक्त स्मृति करके आपको ले जाती हैं उसको हटा दो और उंडा गहराई में उतरो, उसमें हाथ पैर नेत्र कान तो बंद कर दिया आपने, लेकिन बुद्धि और मन को भी आप अंदर उतार दें और परम शून्य में अंदर जाएं आप। अभी आप अंधेरे में रात में कहीं ध्यान में बैठते हैं तो तमरा का आवाज सुनाई पड़ता है क्योंकि शांति होती है, लेकिन वो तमरा दिन में भी बोल रहा है, लेकिन आप कहीं भी बैठते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों? कि बाहर का बहुत सा नाद स्वर में हवा में गूंज रहा है, वो नाद आपको सुनाई नहीं देने पड़ता है, वो सुनने नहीं देगा तमरा का आवाज को। जब इसी के घाट में आप ध्यान में बैठेंगे तो धीरे धीरे वो तमरा का आवाज आपको सुनाई पड़ेगा, जो 10 नाद है। फिर किसी किसी को घड़ी है, घंट है, बांसुरी है, किंकरी है, शंख है, ये धीरे धीरे वो नाद सुनाई पड़ता है। एक नाद दूसरे में विलीन होते होते परम शांति में चला जाता है। तो मुझे वो बहुत प्रिय हैं, योगी हैं, योगियों में ज्ञानी हमको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, भगवान बोलते हैं। ज्ञानी तो मेरे हृदय हैं, मेरे ही समान है, लेकिन भक्त उनसे भी हमको ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है वो, मेरे सहारे वो जी रहा है, शरणागत है वो, समर्पित है, उसका ध्यान मुझे रखना ही पड़ता है। दोनों बच्चे एक जैसे हैं, ज्ञानी भी भक्त भी। ज्ञानी बड़ा हो चुका है, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी अपने पर उठा लिया है कि मेरी चिंता न करिए, मैं बाहर जा करके आ जाऊंगा, बड़ा हो गया है वो, तो उसको माता पिता छोड़ देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा हो उसके पीछे पीछे चलते हैं, पड़ ना जाए, अग्नि न पकड़ ले, खड्डे में न पड़ जाए, कुछ तकलीफ न हो जाए। इसी प्रकार से भगवान जो हैं, जिमि बालक ही पाली महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। तो वो भक्त हमको बहुत प्यारा है जो समर्पित होकर के शरणागत भाव से मेरे में जी रहा है। तो ये जो भक्ति है, मैं उसके अधीन रहता हूँ, उसके पास पास में रहता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ, ऐसी भक्ति जो है प्रेम लक्षणा भक्ति है, शरणागत भक्ति है, अनन्य भक्ति है। वो जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी शरणागत होकर बैठा रहता है। सम मोहिमे जगत देखा, अमोते अधिक संत कई लेखा। एक संत जो होता है वो मुझे हृदय में लेकर चलता है, वो मैं वो संतों के अधीन हूं। जो व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा कदर गुरु और संत की करती है उसके बस में मैं ज्यादा रहता हूँ। कि कोई भी साधक अगर साधना करता है तो कितने समय निकल जाएंगे उसको सीखने में, जानने में, करने में, लेकिन कभी कोई संत की कृपा हो गई, कोई समर्थ गुरु की कृपा हो गई, तो उसकी साधना जल्दी सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है। इसी ब्याज से भगवान सेवरी को बता रहे हैं, ये सेवरी तुम भिल्ल कुल में जन्मी, आज जन्म लेकर के यहाँ आई है, तो अपने शक्ति से भजन कर करके कब तक करती, क्या तेरे को मिलता, कहाँ से मैं आता, ये तो तेरे पर तेरे गुरु की कृपा है, अपने तपस्या के बल से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से तेरे को आशीर्वाद दे डाला कि तेरे को इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान का दर्शन होगा, साकार का आएंगे और मिलेंगे, तो मुझे खींच कर आना पड़ा। कितने ऋषि महर्षि महाराज लोग हैं
लेकिन पहले मैं तेरे पास आया हूँ, फिर जाना है मुझे, लेकिन पहले तेरे पास आया हूँ। संत की महिमा बड़ी अजब की है। कितने समय लग जाते हैं जो प्राप्त करते करते वहाँ पहुँचा हुआ जो संत है वो सारी समृद्धि ज्ञान भक्ति आशीर्वाद थोड़े में आपको दे देता है। कितने जन्म से आप कहाँ कहाँ भटकते आ रहे हैं समझना बहुत मुश्किल है। आपको नहीं ज्ञान है वो भी अच्छा है, अगर आपको ज्ञान हो जाए कि मैं किस जन्म में क्या किया था, हमारे पिता थे, मेरी माँ थी, ये भाई थे, ये मेरे बंधु थे, खबर पड़ जाए तो इस जन्म में खबर पड़ने के बाद आपको अगर वो परिवार आपका पीछे का दुखी हो तो कष्ट होगा, सुखी हो तो अपेक्षा होगी तो वो कुछ देगा नहीं आपको। उसको ज्ञान ही नहीं है कि आप उसके क्या रिलेशन में है, पीछे का सब भूल जाता है। आप भूल जाता है वही अच्छा है। प्रसंगोपात योग वशिष्ठ में इस जगह लिखा है, एक ब्रह्मचारी जी तपस्या कर रहे हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और जल्दी भगवान मिले, प्रत्यक्ष उसका दर्शन हो, मेरा जीवन सार्थक हो, सफल हो, आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं, इसके बड़ी उत्कट तपस्या कर रहे हैं। तो बोले भगवान विष्णु आप बड़े दयालु हैं प्रभु, मैं अहंकार तो नहीं करता हूँ लेकिन वर्षों से आपकी बंदगी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को आप दया दें, दर्शन करें, क्यों विलम्ब हो रहा है खबर नहीं, और मेरा जो प्रारब्ध है जो मेरा प्रायश्चित है पीछे का वो क्या बाकी है, क्यों मैं अटक रहा हूँ वो तो बता दीजिए। अब भगवान ने देखा कि जो भजन करता वहाँ तक तो ठीक है लेकिन पूछ दिया पीछे का ये नहीं ठीक किया, लेकिन अब पूछ दिया तो मुझे कुछ तो पता नहीं पड़ेगा। तो महाराज भजन कर रहे हैं वहाँ, क्या देखे एक जन्म में पीछे के जन्म में मैं भील था, आप किसी जंगल में रहता था, वहाँ शिकार करके जानवरों को मार करके परिवार कुटुंब को चलाता रहा, भरण पोषण करता रहा। एक बार बहुत दुष्काल पड़ा, पानी नहीं पड़ा, कुदरती प्रकोप हुआ, जंगल सूख गए, जल गए, उसमें मेरा सारा परिवार मर गया। ये हमको बताया जा रहा है ध्यान में। अब उसके बाद मैं अकेला हो गया, खाए पिए बगैर आंख अंदर चली गई रही, भिल्ल शरीर, कैसे भी कपड़ा लेकर के निकल पड़ा, एक राज में गया। उस राज में प्रवेश करते ही एक सफ़ेद हाथी फिर रहा था, हाथी। तो मैंने बोला ये मारना दे है कौन, तो लोगों ने बोला कि काका ये हाथी है ये फिर रहा है, जिसको अपने आप लेकर अपने मस्तक में रख लेगा ना वही राजा बनेगा, यहाँ का राजा मर गया है तो अभी कोई राजा नहीं है, इसलिए सफ़ेद हाथी ही फिर रहा है, जिसको अपने पीठ पर रखेगा वो राजा। तो वो जा रहा था भील डरते हुए, तहाँ हाथी दौड़ा और उसको लेकर अपने पीठ पर चढ़ा दिया। वो भील तो गजब का हो गया कि क्या मैं यहाँ का राजा बनूंगा, और इस प्रकार से वो भील राजा है ऐसा घोषित कर दिया गया। उसको ले गया गया, पूछा गया कि भाई या बीच भेख में क्या खबर, परमात्मा का कौन सा स्वरूप है, आप उस लोग चिंता ना करें, कुछ देखे नहीं, कुछ सोचे नहीं, कुदरत की लीला अपरंपार है, कुछ नहीं सोचने का, जो विधाता का नियम है आज वो बनाया गया उसके अनुसार आगे चला जाए। उसको नहला धुला करके श्रृंगार करके उस भील को अच्छा स्वरूप बना करके गद्दी पर बैठा दिया गया, वो राजा बन गया, उसके आदेश से सब काम होने लगा। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसके योग्य मंत्री लोग पढ़े लिखे आ गए, राजपाट चलने लगा।
उसमें साधु ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोग आते रहे, दान पुण्य भी करता रहा, खिलाता रहा। उसमें एक दिन जो है भील कुटुंब को खबर पड़ी कि मेरा जात भाई है ना, वही आज राजा है, चलो वहाँ आ जा करके कुछ मांगनी करावें। उन लोग अपने सहनाई बाजा बाद ले करके आए और खूब सहनाई बजाए, उनको दान पुण्य किया गया और जोर से उन लोगों ने बांग पुकारा कि मेरे कुल में जन्मे हुए इस भील राजा को जय जयकार हो भील राज की। तो बोला कि ऐसा मत बोलो, ऐसा विरद न पुकारो, लेकिन धरार पुकारा लोगों ने। उसमें ब्राह्मण सन्यासी साधु ब्राह्मण लोग सुन गए, बोले कि ओ भील है ये निम्न कोटि का, इतना हत्या करके राजा बना है, इतना पापी के राज में अन्न खाना तो दोष लगता है। तो ऐसा जो है हुआ। और उसके बाद जो है वो सब लोग ब्राह्मण साधु सन्यासी लोग वहाँ से चले गए। अब बहुत से लोग उसमें जो है अग्नि में अपना दाह कर दिए, कुछ लोग प्रायश्चित करके साधना करते करते मर गए कि ईन खा करके दोष लगता है, प्रायश्चित का अन्न नहीं खाना चाहिए। वो ब्रह्मचारी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में जल में खड़े होकर सब दिखाई पड़ रहा है, अभी उनका स्वप्न पूरा नहीं हुआ है जल का, अभी ये चल रहा है। उसके बाद वो जो राजा रहा उसको लगा कि इतना अपमानित जीवन में कि सब लोग हमको दुत्कारने लगे कि भील है, तो ऐसा अपमानित जीवन में क्या राजा बनना ठीक नहीं लगा। तो वो क्या किया कि अंदर जा कर के अग्नि में पड़कर आत्महत्या कर लिया, राजा मर गया। अब मरने के बाद जो है वो भगवान का नाम कुछ लेते दान पुण्य किया, मरा तो एक जन्म लिया और दूसरे जन्म फिर एक ब्रह्मचारी बना। ब्रह्मचारी बन करके अब वो जो है भजन कर रहा है, तो उसको एक दिन ध्यान में बैठा तो दिखाई पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ राजा रहा और भील हो करके रहा ना, मर करके अभी ब्रह्मचारी बना हूँ, तो अभी भी मेरे को प्रायश्चित करना चाहिए। तो चंद्रायण व्रत कर रहा था वो कि मेरा पाप अब दूर हो जाए। चंद्रायण व्रत करते शरीर कृश हो गया रहा, और वो बड़ी कृश हालत में वो चलते चलते ब्रह्मचारी जी ये तपस्या करने वाले महाराज के यहाँ पधारे, यहाँ आए तो इनके यहाँ कुछ सत्कार हो रहा है, इतने के बाद आँख खुल गई है, ऐसा सपना दिखाई पड़ा सब। अब देखते हैं कि कोई ब्रह्मचारी मेरे यहाँ आए हुए हैं, आँख नीचे उतरी हुई है और बड़े ऐसी हालत में है, तो उनको उन्होंने नमस्कार करके रखा और चंद्रायण व्रत किए हुए ब्रह्मचारी के विषय में सत्कार किया वगैरह वगैरह। तो ब्रह्मचारी फिर उनसे सत्संग कर रहे हैं कि हमको इतना तकलीफ पड़ा, इतनी साधना किया वगैरह वगैरह, तो इस हालत में इनकी ये हालत है। उसमें वो विचार कर रहे हैं कि हमको आपने ही बताया क्या, वो भील रहा, उसके बाद ब्रह्मचारी बना, फिर चंद्रायण व्रत किया, अब वही मैं यहाँ आकर हूँ, तो मैं भील हूँ कि राजा हूँ कि ब्रह्मचारी हूँ खबर नहीं पड़ता है। इतना होता है, कितने जन्मों का संस्कार और फिर कटता है। तो तूने बोला तो मैंने बताया, लेकिन भजन करते करते सारा प्रायश्चित अपने आप दूर हो जाता है। साधकों को बहुत प्रयास करके और तर्क से अपने बुद्धि से आगे पीछे का कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जाना जा सकता है, लेकिन वही जाने जो उस कक्षा में पहुंचा हो, नहीं तो ये सब जान करके कुछ फायदा नहीं। कोई आपको गुरु की संत मिल जाए उसके चरण में समर्पित हो जाओ और जो रास्ता बताता है भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाता है। तो सेवरी को बता रहे हैं भगवान कि तू इतने समय से भक्ति की है तो तेरे बेटा तेरे स्वप्रयास से मैं नहीं मिल गया हूँ, ये गुरु कृपा है, तेरे गुरु महाराज की दया है, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है मुझे तेरे पास आना पड़ा है। मोते अधिक संत कई लेखा, मेरे से भी ज्यादा महत्ता गुरु गोविंद दोनों खड़े,
काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव को कि गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु अगर कृपा कर दे तो आपको सहज में प्रभु के पास ले जाने के लिए रास्ता कर देते हैं। क्यों? कि आपके जितने प्रायश्चित हैं, अनेकों जन्मों के प्रारब्ध हैं, उनको सहजता में भोगाते हुए, दूर करते हुए, विघ्न से बचाते हुए आपको वहां लाकर पहुंचा देते हैं। एक दिन सुनाया हूं ज्ञान दीपक में कि जब सोहम दीप जल जाता है, आपको लगे कि अब मेरे अंदर सोहम सोहम चल रहा है, तो समझ लो उसके बाद ही विघ्न की शुरुआत होती है। वहाँ तक तो कुछ नहीं था। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो डाकू लूटे क्या, आ चोर तुम्हारे घर में आवे क्या, कुछ हो तोरी चोरी करने आवे ना। तो जब साधक आगर बैठ करके जब सोहम दीप जला लेता है, उसके बाद विघ्न पैदा होता है, परीक्षा तब ही होती है, और उसी समय गुरु कवच की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की, जिससे कि अपने सत्शिष्य को बचा करके और सुरक्षा से वहाँ पहुँचा दें। बहुत विघ्न आते हैं, बताया है कि रिद्धि सिद्धि आती है, प्रलोभन आता है, अप्सराएं आती हैं, जखिड़ियाँ आती हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके आपको अपने तरफ खींचते हैं कि आप छोड़ दो, कहाँ उधर जा रहे हो। इस सबको अगर हटा दोगे तो वहाँ लक्ष्य तक पहुँच सकोगे। इसीलिए इस समय समर्थ गुरु की जरूरत है कि तुम्हारे सामने तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है, तुमको ख्याल आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो त्रिकाल दृष्टा दिव्य दृष्टा गुरु को सब ख्याल होता है कि तुम्हारे आगे पीछे के विघ्नों को हटाते हुए तुम्हें आगे ले जा रहा है, तुम्हें इसका ख्याल भी नहीं आता होगा और तुम बड़े सरलता से पहुंच जाते हो। तुमको लगता है कि भगवान की दया से मैं आ गया, लेकिन प्रभु आप अपने पौरुष से नहीं आ गए हो, आप चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे जो इस भयंकर भवाटवी के अंदर जो जानवर हैं, विघ्न बाधाएं हैं, तुमको खा नहीं पाते हैं। किस लिए? यो सुरक्षा कवच दोनों तरफ है, तुमको कोई रक्षण कर रहा है, कोई बचाते हुए आगे ले जा रहा है। वो सदगुरु हैं जो तुझे बचा करके भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जो गुरु को संत को तुमते मोते अधिक संत कहीं लेखा, वहां भी वाल्मीकि और राम के संवाद में भी है, तुमते अधिक गुरु जी अजानी, जो आपसे ज्यादा संत और गुरु को मानता है उसके हृदय में आप रहिए। और यहां भी वही है, शिवरी के भगवान यहाँ साती भक्ति बताया कि मोते अधिक संत कई लेखा, आ सातम सम मोहि मैं, हर जगह मैं ही हूँ। मतलब वही सच्चा भक्त है, आ वही सच्चा ज्ञानी है कि समता में और मोहि मैं रहे। आप जो हैं भेदभाव को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपकी ग्रंथि नहीं खुलेगी। आप कितने भी पूजनीय हो जाएं, ये भौतिक जगत आपकी बाह बाही करे, आपको फूलहार चढ़ावे, आपके पीछे तालियां बजावे, लेकिन आप अपने को ये मानते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, शैवों से ऊंचा हूँ, मैं शैव हूँ, वैष्णवों से ऊंचा हूँ, मैं जैन हूँ, उनसे ऊंचा हूँ, मैं यीशु हूँ, उनसे बड़ा हूँ। जब तक आप अपने को एक दीवार में बद्ध करके अपने को महान मानते रहोगे तब तक आप बंधन में हो। ये दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक आप विराट में नहीं आओगे। चाहे दुनिया कितनी भी आपको पूज ले, आपके कितने भी मंदिर बन जाएं, आपके पीछे कितनी भी तालियां पड़े, कितना भी बाहबाही हो, लेकिन आप संप्रदाय के पुजारी हो, एक दीवार और पंथ के पुजारी हो, आप वहीं रह जाओगे, एक सीमा में बद्ध रहोगे, विराट में नहीं आओगे। जिस दिन आप ये मानोगे कि जैन मंदिर में भी मैं हूँ, वैष्णव मंदिर में भी मैं हूँ, शिव मंदिर में भी मैं हूँ, अथवा
तो जो सब मंदिर में सब जगह है वो तत्व एक ही है। मैं उस एक तत्व का पुजारी हूँ जो हर एक जगह हर मंदिर में अनेक स्वरूप लेकर के इस जीवात्मा का कल्याण कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, अंत में जो है उसी लक्ष्य में रखकर रख देता है, वही मेरा परम तत्व है। तो जिस दिन आप अपने इस दीवार को तोड़ दोगे, न आप वैष्णव हो, न जैन हो, न ख्रिस्ती हो, न पारसी हो, आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इस विराट विश्व के अंदर सबके हित के लिए, कल्याण के लिए आप अपने को मान करके आए हो, अथवा सबके अंदर एक ही तत्व निहार करके आप परम शांति में जाना चाहते हो। आप अपना कल्याण कर लो, अथवा जगत के बीच में कुछ निमित्त बनो, लेकिन जब तक आप एक तत्व में नहीं आओगे तब तक आपकी महानता नहीं दिखाई पड़ेगी। भेदभाव सहित जब आगे आओगे तभी आप महान हो, नहीं तो ऐसे कोई मानवी हो, कोई संत हो, कोई आचार्य हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी बार का हो, वो पूर्ण नहीं है। वो अपने को भले समझता हो, लेकिन इन महान आत्माओं से आप कभी भगवान राम से मिलें, भगवान कृष्ण से मिलें, कभी भगवान शिव से मिलें, कभी भगवान महावीर से मिलें, कभी बुद्ध से मिलें, कभी जरथुस्त्र से मिलें, उनको मिलकर के आप प्रश्नोत्तर करिएगा तो ये वो सभी लोग यही बोलेंगे कि हम सब एक हैं, एक ही तत्व में से ये सब हम लोगों का विराट स्वरूप है, हम में इनमें कुछ भेद नहीं है। भेद दृष्टि रखने वाला महान ज्ञानी नहीं है, आदरणीय है, पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। है इस जगत के लोग आपको भले पूज लें, लेकिन आप अपने को पूर्ण मत मानना। आप तभी पूर्ण होगे जब विराट में एक रस बन जाओगे। इसलिए उस विराट तत्व की आराधना करो जहाँ कोई भेदभाव नहीं। समत्तम योग उच्यते, सम मोहि मैं जगत देखा, हर जगह मुझे एक ही तत्व में देखता है, वही भक्ति पूर्ण भक्ति है और वही ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। ऐसा भगवान ने शिवरी को बताया। हमारे ऋषि महर्षि संत लोग जो हैं, जो भागवत है, रामायण है, गीता है, इसके विषय में बोले हैं अथवा लिख गए हैं वेद सात पुराणों को, वो महान तत्वदर्शी रहे हैं। उनको तोड़ मरोड़ करके, छोटा करके, आप अपने स्वार्थ में बुद्धि में ला करके छोटा मत बनाओ। उनका कहने का हेतु, समझने का हेतु समझो। मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, वो छोटे हो, बड़े हैं, ये महान पुरुष का लक्षण नहीं है इसी दृष्टि रखने का। जो इसे पर होकर देखता है ना, वही महान है। इसलिए सातम सम मोहिमय जग देखा, अमोते अधिक संत कई लेखा। संत वही है जो इस सबसे अंत में चला गया हो, उसके अंदर उसके बाद कुछ है ही नहीं है, उस परम तत्व में जाकर बैठा है। एक दृष्टि है, एक भाव है, एक स्थिति है। वहां जाओगे आप वंदनीय हो, महान हो। ये बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों का सत्संग मैं सुना रहा हूँ। इसमें भी कहने में कुछ रह जाता हो तो आप उच्च कोटि के महान पुरुषों से अपने योग साधना से संपर्क करना और जानने की कोशिश करना। लेकिन इस सीमित बुद्धि में, ज्ञान में जितना आया है और भी जो कुछ सुना हो, तो जितना व्यक्त हो सकता है उतना ही व्यक्त कर रहा। बाकी तो मुझे भी समझना है और मुझे भी वहीं जाना है, मेरा भी प्रयास है। आप लोग मुझसे बुलाए तो वही संत, वही महापुरुष जो इस कक्षा के हैं, उन लोगों ने मुझे जो प्रेरणा किया, मैं बाल बुद्धि से बोलने का प्रयास किया हूँ। और इन महान
पर ब्रह्म परमात्मा उच्च कोटि के महान संतों सिद्धों महापुरुषों से मेरा निवेदन है कि अगर कुछ कहने में भूल हुई हो तो आप और किसी के द्वारा बुला करके इस विश्व के अंदर इस ज्ञान को प्रकाशित करें जहाँ आप बैठे हुए हैं। हर जगह समत्वम योग उच्चते मोहि मैं जग देखा आ मोते अधिक संत कई लेखा। ये बात को समझाइएगा तो इस विश्व का कल्याण होगा, राग द्वेष ईर्ष्या मिट जाएगी, द्वंद्व मिट जाएगा, खोटे अहंकार खोटी प्रतिष्ठा संसार के अंदर खोटी मोह माया आसक्ति हट जाएगी। ये जीवात्मा कभी संसार में रह करके, कभी त्यागी बन करके, कभी सन्यासी बन करके, किसी न किसी जगह जा करके कहीं न कहीं भटक जाता है। ऐसे संसारिक मोह में माया में आसक्ति में खून में अने तू में रह करके बद्ध होकर भी अपने को मुक्त समझता है, अपनी प्रतिष्ठा के पीछे अपने अज्ञान को ढक देता है, इस संसार के तालियां के पीछे अपनी आसक्ति को दबे ही आसक्ति को प्रकाशित नहीं करता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने अंदर घुस करके अपने दोषों को विकारों को आसक्तियों को भौतिक जगत में मोह को ममता को आसक्ति को निकाले, प्रभु चरण में प्रार्थना करे, संतों का गुरुओं का चरण पकड़े मानसिक संकल्प से कि प्रभु मेरे को इससे उबार करके उगार करके आप अपने चरण में ले आवें और मेरा कल्याण करें, मैं इस बंधन से मतलब जो बंधन की भ्रांति है वो हट जाए और जो मैं पहले से ही मूल स्वरूप में मुक्त हूँ, साज ही मेरा स्वरूप है, वो मैं निकल जाऊँ और वो आ जाए। ये भ्रांति रूपी अज्ञानता जो मान लिया है उसको हटा दीजिए, मैं अपने मूल स्वरूप में आ जाऊं। आप ऐसा करेंगे तो आपने ही अज्ञान को आप खुद हटा लेंगे और आप ही अपने प्रकाश में आ जाएंगे और जो आपका मूल स्वरूप है उसका आपको बोध और ज्ञान हो जाएगा और आनंद 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 हो जाएगा। ऐसे परमात्मा ने बोला। इस सत्संग को सुन करके शिवरी तन्मय हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, डूब गई है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरु चरण चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु, आनंदमस्तु। सद्गुरुवे नमः।